नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह आपका अपने हिंद 24 टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे साथ बैठे हैं नगर पंचायत के सभासद के प्रत्याशी धनवा से दीपक तिवारी जी। सबसे पहले तो दीपक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप आगामी नगर पंचायत में सभासद के पद पर लड़ने वाले हैं, प्रबल दावेदार हैं सभासद के धनवा से। दीपक जी, आपसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, जैसे आपकी जनता, आपके धनवा क्षेत्र की जनता आपको सभासद पद पर लाकर बैठाती है, तो अपने क्षेत्र के लिए कुछ विकास के ऐसे कार्य आप अपने दिमाग में बैठाए होंगे कि मैं जीतने के बाद सबसे पहले ये काम करूंगा, उन बिंदुओं पर आप प्रकाश डालिए। हमारे गाँव और धनवा में जिस जगह से लड़ेंगे चुनाव, वहाँ की समस्या सबसे बड़ी है नाली की, क्योंकि हमारे साइड जब बारिश होता है तो पानी का निकासी नहीं है। इतने में सब घर बनाए हैं, किसी कुर्सी को व्यवस्था नहीं दी है पानी निकालने का। ठीक है, हमारा प्रथम चरण काम होगा, जितनी भी सरकार की योजना आएगी सब हमारे ग्राम सभा को पूर्ण मिलनी चाहिए। जैसे कि नाली, सड़क, बत्ती, बिजली, जितनी व्यवस्था देगी सर गवर्नमेंट हमें, हम सब गवर्नमेंट करते हैं। तो नहीं, जनता का ये विश्वास आपके ऊपर कैसे आएगा? अभी तो चुनाव है, अभी तो पहला चुनाव है, अभी नया टीम का गठन हुआ है, नई नगर पंचायत का। देखिए, समस्या ये है कि जनता विश्वास करे पहले, तभी ना उसका रिजल्ट उसके सामने आएगा। पहले विश्वास करना उचित है भाई, आप विश्वास करिए। अगर हम आपके काम नहीं करेंगे तो अगली बार हमें आप मत दीजिए वोट, यही हमारा नारा रहेगा। अगर हम आपका जो भी काम होगा अगर हमारे द्वारा नहीं होगा तो हमें आमदार मत वोट दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपका काम कर सकते हैं तो अभी हमें आप वोट दीजिए। जैसे नए कोई भी प्रत्याशी होता है, अभी तो ये नगर पंचायत अध्यक्ष का है, और आपसे बता दूं कि चाहे वो विधायकी हो, सांसदी हो, और MLC का चुनाव भी बीता है जल्दी में, इसमें भी लोग वादे तो कर लेते हैं लेकिन जीतने के बाद भूल जाते हैं। यह वादा नहीं, काम करेंगे, ये विश्वास जनता को हम दिलाएंगे। जब वोट मांगने जाएंगे तो विश्वास दिलाएंगे कि हम आपकी काम करेंगे, जो भी आपका काम होगा वो हम ही करेंगे, ये विश्वास आप रखिए। अगर हम नहीं काम आप कर रहे हैं तो अगले 5 वर्ष में वोट मत दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप धनवा के अपने क्षेत्र के जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये कहना है कि आप सत्य का साथ दीजिए और हमसे विकास लीजिए। अगर हमें आप वोट देंगे तो जो भी सरकार की व्यवस्था आएगी गवर्नमेंट की, आपके सीधे आपके पास जाएगी। तो देखा आपने, हमारे दीपक तिवारी जी से बात हुई जो कि आगामी सभासद के प्रबल दावेदार हैं। उनका कहना है कि हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, और मैं आपके पास जाएगा। तो देखा आपने, हमारे दीपक तिवारी जी से बात हुई जो कि आगामी सभासद के प्रबल दावेदार हैं। उनका कहना है कि हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, और मैं अगर हमारे क्षेत्र की जनता मुझे इस पद पर बैठाती है तो मैं उसमें 100% खरा उतरूंगा।